एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि एसक्यूएल सर्वर को आप कॉन्फ़िगर कर सकें एससीएम सर्वर के लिए। इस मकसद के लिए आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए और अपने एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्लिक ओके। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए और ये सर्वर कलेक्शन जो है ये इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। उसके बाद मेमोरी पे क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है एसक्यूएल सर्वर सारी की सारी मेमोरी जितनी भी आपने सर्वर में डाली है वो यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। मैंने क्या किया कि इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ 1 GB तक मिनिमम और मैक्सिमम, आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना देना चाहते हैं। और यहाँ पर आप वो कन्फिगर कर दें या लिख लें ओके। इसके बाद जो है आप सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ये लॉगिन और सर्च, यहाँ पे लोकेशन मैं चेंज करता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी ओके। और एसएमएस एडमिन तो आपको ये नाम आ जाएगा, आपने इसको ऐड करना है। मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, कैंसिल। ये देखिए एसएमएस एडमिन मैंने ऐड किया हुआ है। इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टी पे जाना है और यूज़र रोल पे आपने इसको एसएमएस एडमिन देना है। और इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है ये भी ऐड हो चुका है जो हमने सेशन के दौरान दिया था। उसको मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, सर्वर रोल लिखता हूँ। इसको भी आप अगर एसएमएस एडमिन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फिर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिलहाल कैंसिल करता हूँ। इसके बाद जो दूसरी अपनी कन्फिग्रेशन करनी है वो अपने स्टार्ट पर क्लिक करना है और एसक्यूएल सर्वर को एक्सटेंड करना है। कन्फिग्रेशन एसक्यूएल सर्वर कन्फिग्रेशन मैनेजर पे क्लिक करना है, उसको क्लिक कीजिए। और आपने प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है, आप नेम प्राइम और टीसीपी दोनों को आप अनेबल कर लें, यस कर लें। आप इसको राइट क्लिक करने के बाद भी अनेबल कर सकते हैं, ओके कर लें। और उसके बाद आपने सर्विस पे आना है और इन सर्विस को आपने रिस्टार्ट करना है। तो आपका एसक्यूएल सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा एससीएम सर्वर की इंस्टॉलेशन के लिए।